नागालैंड में सेना की गोलीबारी से 14 मजदूरों की हुई मौत के मामले को दबाने की बात सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मजदूरों की लाशों को सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बैग से ढक दिया, साथ ही जिस वाहन से वे आ रहे थे उस पर तिरपाल डाल दिया गया। इस बीच ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जवान रेत के जरिए जमीन पर पड़े खून के निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे पूरा मामला दबाना चाहते थे लेकिन ग्रामीणों के समय पर पहुंचने से सच सामने आ गया। सोमवार को जब 14 बेगुनाहों का अंतिम संस्कार हो रहा था तब हर किसी की एक ही मांग थी, नागालैंड से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को तुरंत हटा दिया जाए। इसके अलावा मजदूरों के परिजन भी इस मांग के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार में सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। वहीं मोन जिले में हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण है। यहां धारा 144 लागू है और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मजदूरों की हुई मौत के बाद आम नागरिकों में खौफ है। लोगों का कहना है कि सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया तो बड़ी घटना घट सकती है।